मार्केट से भी अच्छे केले की चिप्स आज हम बनाएंगे घर पर बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में। बहुत ही झटपट सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ये इतना क्रिस्पी बनकर तैयार होगा कि फ्रेंड की आप घर पर ही बनाएंगे, इसे बाहर से कभी नहीं लेके आएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनता है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और झटपट से बनाकर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है 4 से 5 कच्चा केला। इसे हमें पहले क्या करना है, बीच से कट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले साइड साइड का पार्ट्स हम कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद अब हम छिलने ले लेंगे। जो हम आलू छीलते हैं वही छिलने हमें चाहिए। इसी से हमें इसका छिलका पहले निकाल लेना है। तो पहले एक पार्ट्स में हमें इसका पूरा सारा छिलका निकाल लेना है। देख सकते हैं जैसा मैं बता रही हूँ बिल्कुल ध्यान से वैसा बनाएंगे ना, तो आपके केले की चिप्स मार्केट से भी अच्छे घर पर आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है। सर फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने छील लिया है, इसे दोबारा भी छील कर इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। इसे 2 बार हम छीलेंगे और जो इसके ऊपर का थोड़ा छिलका बचा है इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। फ्रेंड इसे हमें अच्छे से छील कर नहीं तैयार करना है। अब इसे अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं इसे कोई भी टॉवल ले लीजिए कॉटन का, इसे अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि इसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगा रहना चाहिए, 1% भी नहीं। इसे अच्छे से आप ड्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है आलू चिप्स वाला ग्रेटर। इससे हम आलू चिप्स करते हैं, उसी से हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। सॉरी फ्रेंड्स, कद्दूकस नहीं, चिप्स तैयार कर लेना है। तो देखिए इसी तरह पतला पतला स्लाइस में गोल गोल हम चिप्स कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक केले को अच्छे से इसका चिप्स तैयार कर लेना है। एक साथ हमें सारे केले को नहीं तैयार करना है इसका चिप्स, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे तैयार कर चुका है, देख सकते हैं कितने बारीक बारीक स्लाइस में इसे मैंने कट कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड इसे मैं छान के दिखाती हूँ कि कैसे आपको छान कर तैयार कर लेना है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए केले का चिप्स डालते ही अच्छे से ये उबाल आना चाहिए। अब इसी में हम डाल देंगे और डालने के बाद गैस का फ्लेम अब इस टाइम हम कर देंगे मीडियम। पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से तेल को हम पूरा तेल को हाई कर लेंगे, उसके बाद ही हमें इसे मीडियम फ्लेम पे करना है। अब इसे अच्छे से अलटते पलटते हुए हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे अच्छे से कुक होने देना है और इसे आप अलटते पलटते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए तब तक हम दूसरे चिप्स को तैयार कर लेते हैं। तो एक केला मैंने और ले लिया है, उसका भी चिप्स तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जब एक चिप्स आपका तैयार हो जाए तब तक आप एक चीज़ रेडी कर लीजिएगा। आपको एक साथ सारे केले के चिप्स तैयार करके नहीं रखना है ऐसे ही। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके केले की चिप्स बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो यहाँ मैं निकाल के दिखा रही हूँ, कुछ जाली वाले बर्तन आप ले लीजिएगा, उसमें निकालिएगा तो इसका अच्छे से और क्रिस्प बने रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है ना मार्केट जैसा। तो फ्रेंड ऐसे ही आप बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा मैंने केले का चिप्स डाल दिया है। इस टाइम गैस का फ्लेम फिर मैंने हाई कर लिया था, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे कर दिया है। देख सकते हैं इतना मीडियम फ्लेम पर आप करके इसे अच्छे से फ्राई होने दिए 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे मैं दूसरा तरीका भी दिखा दे रही हूँ कि इस तरीके से भी आप केले चिप्स तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बच्चों को तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से मज़ा आ जाएगा। बच्चों को पकड़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीच से आप कट करके इसे स्लाइस में लंबे लंबे स्लाइस पे आपको कट कर ले रहा है। तो इस तरीके से आपके केले की चिप्स भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से बन भी जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आज की कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो इस तरीके से देखिए हमारे केले चीज़ बनकर फटाफट से तैयार हो रहे हैं। तो चलिए इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो फटाफट सेम वही प्रोसेस है, इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से आप पर केले के चीज़ घर पर बहुत ही टेस्टी आप तैयार कर सकते हैं, मार्केट से भी अच्छी। जब भी आपको केले के चीज़ बनाना हो तो इस तरीके से ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपको करना है फ्रेंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़े से हल्के आंच पर इसे फटाफट से एक साथ ही आपको कट कर लेना है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं लेकिन आपको फटाफट डालना है। अगर आप थोड़ा टाइम लगाएंगे तो एक साइड कच्चा एक साइड पका रह जाएगा, इसलिए आपको फटाफट इस तरीके से केले की तैयार कर लेने हैं।
तो लीजिए फ्रेंड, देख सकते हैं कितने ढेर सारे चिप्स हमारे सिर्फ 5 केले से तैयार हो चुके हैं। है ना बिल्कुल डिफरेंट, मार्केट से भी अच्छी क्रंची आप केले के चिप्स घर पर ही बना सकते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ले लिया है चाट मसाला। तीनों को हमें कर देना है अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद फ्रेंड अब इसमें हम केले के चिप्स को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए गोल वाले चिप्स को डाल दिए है। अब इससे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल चट्टा सा हमारा ये मसाला केले का चिप्स बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल चटपटा सा। और दूसरे वाले को सादा आप सिर्फ नमक के साथ भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। जिससे बच्चों को ज़्यादा तीखा ना पसंद हो तो आप उन्हें नमक डालकर इस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप कि आज की मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो फ्रेंड, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ढेर सारे केले की चिप्स तैयार हो चुके हैं मार्केट से भी अच्छी। मैं यहाँ पे खा के दिखा रही, देख सकते हैं एकदम बिल्कुल क्रंची है। आप इसे 2 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं तो जा रही हूँ इंजॉय करने, आप लोग भी बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा बैठा हुआ है, दोनों जन भी खा के इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।